हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत अच्छे जा रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो चलिए आज की टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज की टॉपिक है हमारी डमी। आप हेयर स्टाइलिंग के लिए या फिर अगर आप कटिंग सीख रहे हैं या फिर मीन्स कटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले जब आप जहाँ भी कटिंग सीखने जाते हैं ना, तो वहाँ पर आपको वो डायरेक्ट कस्टमर अपने नहीं देते हैं। कोई भी एकेडमी ले लो या कोई भी लोकल सैलून ले लो, कोई भी लोकल पार्लर ले लो, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको कोई भी अपना डायरेक्ट क्लाइंट, अपना डायरेक्ट कस्टमर आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी डर रहेगा या इवन आप ही क्यों ना हो, आपको भी डर रहेगा कि हमारे क्लाइंट के हेयर खराब हो जाएंगे, कटिंग खराब हो जाएगी, तो वो हमें दोबारा हमारे पास नहीं आएगा। तो इसके लिए एक चीज़ बनी हुई है डमी, जिसको हम बोलते हैं नकली हेड होता है। उसमें नकली हेयर होते हैं या असली हेयर भी आते हैं, ह्यूमन असली ह्यूमन हेयर्स भी आते हैं, जिनको उसके अंदर वीक की तरह लगाया होता है और उसे हम यूज करते हैं एज ए डमी, एज ए हेयर कटिंग और एज ए हेयर स्टाइलिंग। यहाँ तक कि जब आप हेयर स्टाइलिंग सीखने जाएंगे किसी पार्लर, किसी भी एकेडमी में, तो वहाँ पर भी आपको डमी प्रोवाइड करनी की जाती है। तो यहाँ पर डमी हमको किस किस कामों में यूज़ होती है? डमी हमें कटिंग के लिए यूज़ होती है, डमी हमें हेयर मीन्स हमें हेयर स्टाइलिंग के लिए यूज होती है। तो आपको डमी फिक्स करना कैसे मैं नहीं आता है, तो आज की वीडियो हमारी बेसिकली इसी चीज के ऊपर है कि हम डमी को कैसे फिक्स करें। कई बार ऐसा होता है कि हम डमी हमारे पास होती है बट हमें फिक्स नहीं करने आता, हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं, फिर से हमें शॉपकीपर के पास जाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप बैठे बैठे 2 मिनट में आप डमी को फिक्स करना सीख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आपको और किस चीज़ों की ज़रूरत है मेरे से रिलेटेड, या मैं आपको बता सकती हूँ या सिखा सकती हूँ, तो उसे मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो आपको मैं ज़रूर सोल्यूशन उसका दूंगी। तो इस चैनल पे ऐसे ही बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे फिक्स करते हैं डमी को। तो ये मैंने ली हुई है लोकल डमी, इसको हम डमी कहते हैं। ये डमी है हमारी, इसका हेयर है, यहाँ पर एक होल दिया हुआ है। तो ये आपने डमी देखी है। डमी के साथ हमको इस तरीके से ये 2 चीज़ें हैं और ये है इस तरीके से कुछ स्टैंड टाइप का। तो इन 3 चीज़ों के थ्रू हमको डमी को सेट करना होता है। इसको जब हम फिक्स कर लेंगे तभी हम डमी को फिक्स कर पाएंगे। डमी को फिक्स करने के लिए आपको जब हेयर स्टाइलिंग करनी है तो उसकी स्टैंड भी आती है, आप स्टैंड से भी फिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास तुरंत स्टैंड अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी टेबल में, मैं आपको आगे ये फिक्स करने के बाद इसको लूज करना, ये इस तरीके से लूज टाइट इसको करना, लूज करना, और किस तरीके से डमी को कहाँ पर फिक्स किया जाता है उसको फिक्स करके मैं आपको दिखाऊंगी कि आप डमी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। फिर आप उस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हेयर स्टाइल भी कर सकते हैं और उसके ऊपर आप अपना कोर्स भी कर सकते हैं, मीन्स कटिंग का कोर्स भी कर सकते हैं, कटिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको डमी के साथ ये 3 चीज़ें दी हुई हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो ये गोल सा डंडा जैसा है आपको इसके अंदर इंसर्ट कर देना है, और उसके बाद ये स्क्रू जैसा दिया हुआ है, कुछ बड़ी सी चूड़ी जैसा, इसको तीसरा पार्ट जो है इसका स्टैंड जैसा, इसमें आपको डाल के इस तरीके से सर्कल कर देना है, मीन्स इसको घुमा लेना है आपको। और उसके बाद आपको ये आपका स्टैंड रेडी हो गया है। ये इसको आप डमी के अंदर इसको आपको डालना है। डमी के अंदर आप इस तरीके से ये डमी का जो होल था इसमें आपको डाल देना है। डमी के होल में डालने के बाद आप किसी भी, ये देखिए आपकी डमी रेडी हो गई है। अब ये बहुत आसान था बट काफ़ी लोगों को ये चीज़ें नहीं आती हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा यही था। फिर आपको इसको इस तरीके स्क्रू को लूज़ कर देना है। यहाँ पर अंदर साइड एक बटन जैसा दिया होता है, इसको अंदर इंसर्ट करना था। और उसके बाद आपको इसको डमी को फिक्स करना है। जैसे ये मैंने घर पे ही टेबल था, इसको मैंने इसको लूज़ किया टेबल के हिसाब से, और उसके बाद जितना उसमें गैप है उस हिसाब से आपको डमी के जो ये पार्ट है इसको अंदर डाल देना है, और फिर स्क्रू से आपको इसको टाइट कर देना है।
टाइट कर देना है जब तक वो एकदम अच्छे से फिक्स नहीं हो जाती है। जब ये एकदम अच्छे से फिक्स हो जाती है फिर इसको आप इस तरीके से टाइट कर दीजिए। अब आपकी डमी फिक्स हो गई है, जब तक एकदम टाइट नहीं हो जाती तब तक आपको टाइट करना है। अब ये फिक्स हो गई है, मैं आपको चारों तरफ इसको घुमा के दिखाती हूँ डमी हमारी कैसी फिक्स हो गई है। कटिंग और हेयर स्टाइलिंग के लिए ये रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जब आपको इसको निकालना है तो आप फिर से स्क्रू को लूज़ करके, ये देखिए मैंने हिला के दिखाया आपको चारों डायरेक्शन में, गिरेगी नहीं है। अब आपको अगर यहाँ से निकालना है तो आप वापस से स्क्रू को लूज़ कर लीजिए, आपकी डमी आराम से निकल जाएगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी हेयर फिक्सिंग डमी की, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।